इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाबाद 90 दिनों में कराने का हुक्म दे दिया। पिशावर कराची दहशतगर्दी वाकयात के बाद आजाद कश्मीर में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। तामीराती मंसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए खसूसी इकदाम का फैसला। महकमा औकाफ आजाद कश्मीर ने मावनीन बराए हज ऑपरेशन 2023 के लिए ग्रेड 1 से 18 तक के 3 ऑफिसर्स और एहलकारान की नामजदगी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तैनाती से रोक दिया। हुक्म इम्तनाई जारी। असद उमर समेत 3 पीटीआई एमएनएस के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतहाबात से रोक दिया गया। आईएमएफ शराइत के मुताबिक पेट्रोलियम मसनुआत पर लेवी में 45 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। शाहाना केस इमरान खान वारंट गिरफ्तारी का तफसीली फैसला आ गया। 7 मार्च को हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक मुअत्तल और इंतहाबी मुहिम के आगाज का ऐलान कर दिया। और मून क्रिएशंस ने खवातीन को खुद कफील और बा अख्तियार बनाने के लिए हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ के नाम से प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। ताज़ा तरीन खबरें तजिए इदारे और बेदाग मज़ामीन पढ़ने के लिए डेली सुबह 9 न्यूज़पेपर और बेहतरीन न्यूज पैकेजेस और ताज़ा तरीन हेडलाइंस देखने के लिए देखते रहिए सुबह 9 न्यूज़।